हमीरपुर नगर परिषद में दशकों से अपनी दाग जमाए दीप कुमार बजाज ने इस बार अपना वार्ड आरक्षित होने के चलते वार्ड नंबर 4 से चुनावी मैदान में उतरे हैं। दीप कुमार बजाज के मैदान में होने से हमीरपुर नगर परिषद में चुनावी समीकरण रोचक बन रहे हैं, क्योंकि भाजपा पार्टी के समर्थित उम्मीदवार दीप कुमार बजाज 3 बार नगर परिषद के उपाध्यक्ष रहने के साथ साथ 2 बार नगर परिषद हमीरपुर के अध्यक्ष पद पर भी रह चुके हैं। इस बार फिर से दीप कुमार बजाज ने चुनाव में ताल ठोकते हुए जीत का दावा किया। दीप कुमार बजाज का कहना है कि शहर के 11 वार्डों में से किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ने पर लोगों ने हमेशा अपना प्यार दिया है और इस बार अपना वार्ड आरक्षित होने के बावजूद भी वार्ड नंबर 4 से भी पूरा सहयोग मिल रहा है। भाजपा समर्थित प्रत्याशी दीप कुमार बजाज ने कहा कि पिछले 35 सालों से चुनाव मैदान में है और 3 बार उपाध्यक्ष बनने के साथ 2 बार अध्यक्ष की कुर्सी पर भी काबिज हुए हैं। उन्होंने कहा कि 1985 के बाद हमीरपुर शहर में विकास के कार्य के लिए काम किया गया। उन्होंने बताया कि इस बार भी जनता से पूरी उम्मीद है कि जनता बहुमत से जिताएगी। उन्होंने बताया कि शहर के वार्डों में बड़े नालों का चैनलाइजेशन का काम करवाना प्राथमिकता रहेगी। दीप कुमार बजाज ने कहा कि भाजपा पार्टी ने इस बार वार्ड नंबर 4 से चुनाव मैदान में उतारा है और अपनी जीत के प्रति पूरा आश्वस्त है, क्योंकि हर बार चुनावों में अलग वार्ड से चुनाव लड़ने पर भी जनता ने भरपूर समर्थन दिया है, जो कि इस बार भी जनता पूरा समर्थन देगी। उन्होंने दावा किया है कि 11 वार्डों में इस बार सबसे ज्यादा मतों से चुनाव जीतूंगा। दो बार आप अध्यक्ष रहे हैं, इस बार किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? ये ठीक है कि मैं काफी लंबे समय से नगर परिषद में हूँ, लगभग 35 वर्ष हो गए तो मैं नगर परिषद में चुनाव लड़ता आया हूँ। कंटिन्यू मैंने 6 चुनाव लड़े हैं और 6 चुनाव जीते हैं। इन 6 चरण में मुझे 2 बार अध्यक्ष बनने का मौका मिला, 3 बार मैं उपाध्यक्ष रहा हूँ। और इसमें अगर शहर की विकास की बात की जाए, नगर परिषद में क्या कुछ हुआ, तो 1985 के बाद ही लगभग शहर में सारा विकास का कार्य हुआ है। एक एक कार्य जो है वो मेरी आंखों के सामने हुए, उसमें मेरा भी हिस्सा रहा है। 1986 में 800-900 बेल्लभ यहाँ लगे होते हैं 11 वार्डों में, जो पुराना बेल्लभ होता है, शायद कुछ लोगों ने वो देखा भी नहीं है। उसके बाद जब ट्यूबों में परिवर्तन किया, 800-900 ट्यूब लगवाई, तो मेरे समय में हुआ, हमने वो किया है। उसके बाद लाइट की दशा इतनी अच्छी हो गई है कि बड़ी बड़ी स्मार्ट लाइटें, 2300-2400 ट्यूब, कभी हम 50,000 रुपये महीने से काम चलाते हैं, आज हम 10-12 लाख रुपये खर्चते हैं, बेशुमार विकास लाइट के बने हुआ है। जब मैंने ज्वाइन की थी नगर परिषद तो गलियां कच्ची होती थी, किसी गली में भी बजरी तक नहीं डली होती। हमने सब गलियों को पहले बजरी डाल के पक्का किया, उसके बाद इसकी डेवलपमेंट करते रहे। डेवलपमेंट करते करते आज अच्छी टाइल जो है वो हर गली में हम डाल चुके हैं। काफी मतलब इस समय से विकास की गति चली आ रही है। सफाई व्यवस्था जब हमने शुरू की थी नगर परिषद, तो उसमें 2-3 स्वीपर हमारे पास होते हैं जो सारे शहर में कूड़ा करके इकट्ठा करते हैं, और लोगों के प्रयास से, लोगों का साथ से तब सफाई होती है। आज लोगों को कुछ करना नहीं पड़ता है, कूड़ा जो है वो अपनी सफाई करेंगे, घर के बाहर रखेंगे, घर घर जाए कूड़ा उठता है। इससे थोड़े टाइम पहले भी हमारे यहाँ 11 वार्डों में 40-50 कंटेनर होते हैं जिनमें लोग कूड़ा भरते थे, बड़ी गंदगी बड़ी रहती थी, 2 दिन के बाद वो कूड़ा उठता था, 3-3 दिन के बाद। लेकिन आज अगर कूड़ा मुक्त किसी नगर परिषद हुई है तो हिमाचल प्रदेश में सबसे पहली नगर परिषद हमारी है, जिन्होंने कंटेनर उठा दिए, कूड़े के ढेर उठा दिए, घर घर से कूड़ा जो है वो इकट्ठा करके वो कूड़ा यंत्र पर ले जाके उसकी खाद बनाई, पोल्यूशन रहित हमने अपने शहर को किया है। तो कूड़े की बात जो जहाँ तक है भी हमारी एक उपलब्धि हिमाचल प्रदेश में 1 नंबर पर रही है। बाकी जो नगर परिषद कार्य करती है, चाहे वो पार्किंग का हो, पार्क का हो, शहर में जितनी जगह हमारे पास थी पार्क और पार्किंग की, वहाँ हम सब कुछ ये बना चुके हैं, अब हमारे पास कोई जगह तक नहीं बचती है। अब मोटे तौर पर अगर नगर की डेवलपमेंट करानी है तो हमारे 11 वार्डों में 10 नाले हैं, पोल्यूशन है उनमें, आज इस तरफ की उस तरफ की जमीन जो उसमें बहती है बड़ी गंदगी पड़ी हुई है। अगर 10 नालों को चैनलाइज करके उस पर लिंक रोड, ये रोड बना दिए जाए, तो शहर की डेवलपमेंट जो है वो कई गुना हो सकती है, जैसा कि मैंने वार्ड नंबर 2 में किया है। वार्ड नंबर 2 का पूरा नाला जिला कचहरी से लेकर अपनी बाउंड्री तक, इतना नाला का पोल्यूशन भी किया और इतनी चौड़ी सड़क बनी है कि वो सड़क जो है वो रोड का काम तो दे रही है, वो पार्किंग का काम भी दे रही है। और जहां तक हमारी ये होगी, हम दोनों तरफ फूलों के गमले लगा के उसको पार्क भी बनाने की कोशिश करेंगे। तो मेरा तो
और सबसे जरा सबसे बड़ी बात यही है कि अगर डेवलपमेंट चाहिए तो डेवलपमेंट जगह पर होगी, जगह हमारे पास नाले हैं, नालों की डेवलपमेंट होती है तो उसमें हमें बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, पोल्यूशन रहित हमारा शहर बनेगा, रोड बनेगा, लोगों को घूमने फिरने के लिए बनेगा और इसको हम पार्क भी कह सकेंगे और छोटी छोटी पार्किंग भी इसके ऊपर दो गाड़ी की, चार गाड़ी की, एक गाड़ी की बन सकती है। तो मैंने छह चुनाव जो लड़े हैं तो वार्ड नंबर दो से मैंने चार चुनाव लड़े हैं, एक चुनाव मैंने वार्ड नंबर छह से लड़ा है और एक बार मुझे 11 वार्ड में चुनाव लड़ने का मौका मिला है। मैं तकरीबन हर बार से जीता हूँ। वार्ड नंबर चार में जब मुझे मौका मिला था तो मैं इस वार्ड में बाकी लोगों से मेरे पास ज्यादा मत मुझे मिले थे, तो इतने लंबे समय में मुझे लगता है कि एक नंबर से 11 नंबर तक मुझे बाल पसंद करना बड़ा मुश्किल है कि कहाँ मैं मुश्किल है या कहाँ आसान है, ऐसा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 4 नंबर वार्ड से इलेक्शन लड़ने के लिए कहा है तो मैंने उसको पालना करते हुए मैं वार्ड नंबर 4 से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मैं उतने बोल रहा हूँ जीतूंगा जितने मैं 2 से जीता, जितना मैं 6 जीतूंगा, जितना मैं 11 जीतूंगा, 10 से, यानी कितने किसी भी वार्ड से मैं लड़ूंगा तो मैं उतने ही वोटों से जीत जाऊंगा जितना मैं 4 नंबर वोटों से जीतूंगा। और मैं वहां जा रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है हमारा 4 नंबर वार्ड, इसमें 80-85% भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। बेबाक हो कह रहे हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वोट देना है, बाकी वो पर्सन सभी लोग मुझे भी जानते हैं, उसका भी मुझे फायदा मिल रहा है। तो इस सारे फायदों को देखते हुए मुझे लगता है कि मैं 11 वार्डों में सबसे ज्यादा वोटों से वार्ड नंबर 4 से जीतूंगा।